ఇంకో విషయం, అహో రామానుజులు వారు కాశ్మీర్ నుంచి అన్ని క్షేత్రాలకు వచ్చినప్పుడు పూరి జగన్నాథ దేవాలయం వచ్చినాడు. అక్కడ వచ్చి ఆ సంప్రదాయంలో ఉండేవాడే పూజ చేయాలని ఆ జగన్నాథ స్వామి సంకల్పం. అంతవరకు శ్రీకుర్మం పోయి అక్కడే మీరు సంప్రదాయం పెట్టుకోండి, ఇప్పుడు జగన్నాథ స్వామి చెప్పేసిన అంతవరకు శ్రీకుర్మం వచ్చినారు. శ్రీకుర్మలో వచ్చేవంటే అక్కడ రెండు వివిధ పార్టీ, ఒక పార్టీ ఉండేవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే శ్రీ కుర్మేశ్వరుడు ఉంటారు, ఒక పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు శ్రీ కుర్మనాథ అంటారు. ఆ చర్చలో ఉండే అక్కడ ఈ రామానుజులు ఏం చెప్పినారంటే అందరూ శ్రీ కుర్మేశ్వరుడు కాదు శ్రీ కుర్మనాథ, శ్రీకుర్మనాథనే ఆయన అన్నారు. వాళ్ళకి నమ్మకలేదు, ఎట్లా స్వామి చెప్తారు. నేను ఒక విషయం చెప్తాను, ఈ కుర్మనాథాలు వెనకాల పోయి కూర్చో అక్కడేంది నేను వెంకటేశ్వర శ్రీ కుర్మనాథని పిలుస్తాను, ఆయన మా పక్కన తిరిగితే మీరు ఒప్పుకుంటారా అన్నారు. అట్లే చేస్తామన్నారు అక్కడ ఉండే శిష్యవాళ్ళు. ఏంటి ఈ ఏం చేసినారంటే శ్రీ కుర్మల వెనకాల పోయి రామాను గారు నిలుపుకుండి శ్రీ కుర్మనాథ అన్నారు. శ్రీ కుర్మనాథ అంటే శ్రీ వెంకట శ్రీ కుర్మనాథుని తిరిగినారు. అప్పుడు ఆ కూడా అంత శిష్యులు అందరికీ భయం వచ్చేసింది, స్వామి నేమో నిన్న వరకు కుర్మేశ్వరుడు పూజ చేసినాము, ఈరోజు వచ్చి మీరు చెప్పినారే అన్నారు. భగవంతుడే శ్రీ కుర్మనాథ అంటే రామానుజుల పక్క తిరిగినారు. అందువరకే ఇప్పుడు కూడా శ్రీకుర్మంలో పోయి దర్శనం చేస్తే ఆ ముందుకు ధ్వజస్తంభం బలిపీడ ఒకటి ఉన్నాయి, ఆ గుడి వెనకాల బ్యాక్ సైడ్లో ధ్వజస్తంభం బలిపీడ ఒకటి ఉన్నాయి, ఆ రెండు ఉండే ఒకే క్షేత్రం శ్రీకుర్మం. ఆ విశేషంగా ఈ రామానుజరావు వైభవం సంవత్సరం కూడా చెప్పొచ్చు, మన అందరికి అవకాశం లేకుండా ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ బత్సలు చేసేది చాలా విశేషం, చాలా పొరుతం. అంత విశేషంగా జరిగింది శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్ కేశవేశ్వర కాంచీవత్స పురుషూత యదిరాజాయ మంగళం సోమస్త నిత్యం నిత్యశ్రీ నిత్యమంగళం. నారాయణ నారాయణ అభియాప్ బలాత్రిపతిజీ కే पीठाधिपति श्री स्वामी जी महाराज द्वारा अपनी आंध्रा तमिल भाषा में आपने शब्दों को श्रवण किया, भले हमें शब्द अपने आप स्पष्ट ज्ञात नहीं होता हो, जिस दावा बैठिए क्या बैठिए यहाँ पर बैठिए नारायण किसी को चिट्ठा जी पीछे बैठाई उनको मैं अब कुछ स्वामी जी का हो गया है ना, स्वामी जी का हो गया दो मिनट स्वामी जी महाराज का दो मिनट में ही बातों को कह देंगे और उसके बाद कहा ऐसा है आचार्य लोग आचार्यों के लिए समय नहीं है, समय के लिए आचार्य है, समय नियतया साधु वृत्तिया समय तो, इसीलिए आपका लेकिन समय है कि आपको 5 बजे जाना है, इसलिए दास उस पर ध्यान दे रहा है कि आपको 5 बजे के पहले विदा कर दूं, जब 5 ही बजे जाना होगा तो बोलेंगे क्या, तो हम सोचते युवराज और युवराज जैसे पीठाधीश्वरों के मार्गदर्शक आप हैं वैसे युवराजों के मार्गदर्शक आप हैं, हम भी युवराज समझते हैं अपने को। जिससे चरणों शरणम प्रबद्ध एक वचन है गुरुम प्रकाश धीमान, यहाँ ऐसा हो रहा है, ये इतना श्री वैष्णव अपना गुरु के लिए इतना क्या श्री वैष्णव का ये बहुत अच्छा है, बहुत संतोषजनक है और उनका आचार्य भी बहुत संतोष होता है, यही है हमारा जय। स्वामी जी महाराज ने कहा गुरुम प्रकाशय धीमान मंत्रम यत्नेन गोपये अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। ये जो सिद्धांत है आचार्य का गुरुम प्रकाशय धीमान, गुरु को प्रकाशित करता है बुद्धिमान व्यक्ति, मंत्रम यत्नेन गोपये मंत्र को गुप्त रखता है,
हमारे युवराज स्वामी जी के कहने का मतलब है कि धर्म की दृष्टि में इतने ज्यादा उत्साहित भी मत हो जाओ कि तुम्हें ये पता ही न चले कि मैं क्या कर रहा हूं, और तुम गायत्री मंत्र को कॉलर टोन में और रिंग टोन में डाल करके और गाड़ी का ब्रेक दबाने के बाद भी ब्रेक टोन में डाल करके ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यम् बजाने लग जाओ, ये घोर अपराध है। ये हमारे आचार्य कह रहे हैं मंत्रम यत्नेन गोपयेत। इसलिए हमारे युवराज स्वामी जी महाराज जो कि श्री श्याम श्रम देवाचार्य जी हैं, जिनकी मधुर मंगल मंजुल मूर्ति हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं और कचतस्तिष्ठत बदनम के रूप में इनका दिव्य भगवान के श्री नयनाभिराम श्री कृष्ण किशोर के अद्भुत दिव्य सौंदर्य की झलकी जिनके स्वरूप को देखने से हम लोगों को प्राप्त होती है। और प्रौढ़ाणाम मनांसि प्रौढ़ाणामपि मनांसि हठात् आवर्जयन्त हरिणे स्वामिनः श्री निम्बार्काचार्य जगद्गुरवः यतीश श्रीमन्तः श्री राधा सर्वेश्वर शरण स्वामिनः शिष्याः युवराज पदवीमाटीकन्ते ये ते श्री स्वामिनः विजयन्ते तराम। अपनी वाणी से ये श्री रामानुज सहस्त्राब्दी में कहीं कर्म करेंगे, ऐसी उनसे अभ्यर्थना है प्रार्थना है। वो युवराज स्वामी जी महाराज श्री कृष्ण पाद युगलम शिरसा नमामि यत्रान्वित श्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यान योग निरताश्चदाप्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्य मनिषं मनसा गिरा च गोपीपते यदुपते नवनीत चौर वृन्दावनेषु मुरलीधर पद्मपाणे गोवर्धनो धरणधीर मुकुन्द सौरे त्रायश्व केशव हरे शरणागतम मां। मंचस्थ विराजमान समस्त आचार्य वृंद, संत महंत विद्वद वृंद, मैं तो कहां तक संबोधित करूं, क्योंकि ये तो किन्हीं एक संत का दर्शन नहीं, यहां तो पूरा आचार्य वृंदों का संतों का एक समुद्र एक सागर सा उमड़ आया है। जैसे कहा जाता है गंगे तव दर्शनात मुक्ति, उसी प्रकार यह चल गंगा का स्वरूप आप सभी भगवत जनों के सन्मुख आपके घर बैठे गंगा आने वाली से कहावत को चरितार्थ करते हुए आप सभी भगवत जनों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। जय हो जय हो। हमारे श्रीमद् भागवत का वचन है, हमारे ठाकुर जी महाराज बैठे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ऐसे ही नहीं प्राप्त होती। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पुण्यों का उदय प्राप्त होता है, तब आचार्य वृंदों का सानिध्य इनके दर्शन इनकी वाणी को श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। आप सभी तो सहज में ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को ऐसी महाविभूतियों के दर्शन, केवल दर्शन मात्र से ही नहीं आप सभी संतुष्ट हो, आपकी वाणी के माध्यम से जो भी आपको उपदेश प्राप्त हो उसे स्वीकार करके उसे हृदयंगम करके अपने जीवन के मार्ग को अवश्य प्रशस्त करें। क्योंकि हमारे शास्त्रों का वचन है महाजनो येन गतः स पंथा, नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद स्वयं संकेत करते हैं कष्टरति कष्टरति मायाम, इस अघटन घटना पटीयशी भगवान की दुष्तरणी माया से कौन तर सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं मम माया दुरत्यया, तो इस दुष्तरणी माया से कौन तर सकता है। जब देवर्षि नारद से संकेत किया गया तो उन्होंने इतना सुंदर समाधान किया,
यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करता है, उनका संग करता है, वही इस दुष्तरणी माया से पार हो सकता है। इतना ही नहीं, सतरति स लोकांश तारयति, वह स्वयं तो इस संसार सागर से तरता ही है, एवं अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव को इस धरातल से भगवान के सानिध्य में पहुंचा देता है। आप सभी सहज में यह आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मैं स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं हमारे पुष्कर वाले महाराज श्री स्वामी जी के जो निमित्त बने और मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे सभी आचार्य वृंदों के दर्शन, महाविभूतियों के दर्शन मुझे एक कालावच्छे देन, कहा तो जीवन में यदि एक संत का दर्शन प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, और एक समय में एक कालावच्छे देन यदि ऐसे महापुरुषों के दर्शन हमें प्राप्त हो तो निश्चित समझिए हमारा जीवन आज से सफल है। आप सभी को बड़े साधुवाद देते हुए हमारे जीयर स्वामी जी महाराज, जिनके सानिध्य में, जिनके निर्देशन में यह इतना सुंदर आयोजन, उन्हें मैं साधुवाद तो नहीं प्रेषित कर सकता क्योंकि आयु वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है मुझसे। आपको बड़ा ही अभिनंदन आपका करते हुए कि आपने इस क्षेत्र की जनता के लिए, भगवत जनों के लिए इतना सुंदर यह अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका यह संपूर्ण जन समूह सदैव ऋणी रहेगा कि आपने आप सभी को घर बैठे यह आनंद प्रदान किया। और हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले विद्या भास्कर जी महाराज, जो कि हमारे सनातन धर्म के इस समय यूं कहें कि सभी को दिशा प्रदान करने वाले, और आप सभी के सानिध्य में, आपके सानिध्य में हमारा सनातन धर्म इसी प्रकार सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, उनके सभी आप सभी को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, अन्य अन्य सभी धर्माचार्य, क्योंकि यदि मैं भी सभी को संबोधन करने लगूंगा तो बड़ी विशाल सूची बन जाएगी। हाँ, वो काम मैं कर चुका हूं। श्री धराचार्य जी महाराज हैं, वो दास कर दिया है, संबोधन कर दिए हैं सभी को, तो सभी के लिए मेरी अत्यंत शुभकामनाएं, और आप सभी भगवत जनों के लिए भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु भगवान, क्योंकि ये तो आचार्यों की सहस्त्राब्दी महोत्सव है, हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज जो कि हमारे सनातन धर्म के चतुर्वैष्णव संप्रदाय के जो चार मूल आधार हैं, उनमें एक हमारे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की सहस्त्राब्दी महोत्सव। देखिए, जब आचार्यों का जन्म होता है तब स्वयं धरती भी प्रसन्न होती है, और उनका तो सदैव यह कार्यक्रम यह चलता रहता है, जिनकी उपदेश से, जिनके भाष्य को श्रवण करके समस्त भगवत जन अपना जीवन प्रशस्त करते हैं। तो मेरी वाणी में, मेरे शब्द कोश में शब्द नहीं जो मैं इस कार्यक्रम की प्रशंसा कर सकूं, इसका वर्णन कर सकूं। मैं स्वयं को केवल कृतकृत्य अनुभव कर रहा हूं। आप सभी भगवत जनों के लिए मंगल कामना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के अनुसार अपने संक्षिप्त भावों को यही विराम देता हूँ। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, धन्यवाद स्वामी जी, हमारे पूज्य लक्ष्मीपन्न जी और स्वामी जी महाराज, जिनको अभी हमारे पूज्य श्री श्याम सिंह देवाचार्य जी ने ये कहते हुए संबोधित किया है कि इतने बड़े संतों, धर्माचार्यों, महापुरुषों की गंगा को इन्होंने ले आकर के इस भूमंडल में मानव बक्सर की इस धराधाम पर यहाँ प्रवाहित कर दिया है। ऐसे भगीरथ की तरह गंगा को लाने वाले संत महात्माओं, धर्माचार्यों रूपी गंगा को ले आने वाले हमारे भगीरथ जीवर स्वामी जी महाराज, और जब शेषावतार, जब शेषावतार भगवान की, जब शेषावतार श्री रामानुज स्वामी का जन्म काल आता है और जब उनके जन्म नक्षत्र का समय आता है, तो उस समय अगर भूकंप नहीं होगा तो कब होगा? इसीलिए क्यों? क्योंकि शेषनाग शेषावतार, शेषावतार हैं भगवान रामानुजाचार्य, और शेषावतार होने के कारण जब शेष अपना मस्तक भी इधर से उधर डुलाते हैं तो पृथ्वी कांप जाती है, भूकंप हो जाता है। तो इसलिए इन भागवतों की उपस्थिति को देखकर जब शेष प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्नता में जब अपना सिर हिलाया, सुंदर राग
सुन करके जैसे राजस्थानी राग सुनकर कोई सिर हिलावे ऐसे। तो इसीलिए जन धन की हानि नहीं हुई, कहीं सर्वनाश नहीं हुआ, कहीं उपद्रव नहीं हुआ, इतना बड़ा भूकंप आया लेकिन कहीं जान माल की हानि नहीं हुई। अयोध्या में भी एक मंदिर था कामाख्या मंदिर, वो ध्वस्त हो गया लेकिन एक भी आदमी नहीं मरा, कुछ भी नहीं हुआ, पुराना था टूटा भरा गया, तो कहीं अनिष्ट नहीं हुआ। ये सहस्त्राब्दि के यज्ञ में आए हुए इन आचार्यों की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है जो आप सब लोगों ने अनुभव किया है। और कल भी भूकंप आया था, हम और जीव स्वामी जी एक ही जगह बैठे थे, हमारे कौशलम बन्नाचार्य जी भी वही थे अलवर वाले, जब कंपन होने लगा उस समय हम लोग प्रत्यक्ष ही अनुभव कर रहे थे। तो ये योग दृश्य आनंद की बात है, हम चाहेंगे कि हमारे इसी मंच पे जो शीघ्र आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन स्वामी जी महाराज कहां गए अभी, तो उनके द्वारा और आचार्य श्री के द्वारा विमोचन होना था। तो एक ग्रंथ है सिद्धत्र का अनुवाद, जिसका विमोचन करने के लिए जीवन स्वामी जी ने कहा था, लेकिन अभी वो पीछे कोई आए हैं उनके करे हैं। तब तक हम ये चाहेंगे कि हमारे बीच में जो अरवर से पधारे हुए पूज्य श्री स्वामी कौशलेंद्र पूर्णाचार्य जगद्गुरु महाराज जी हैं, वो अपने भाव आप सब लोगों के बीच में व्यक्त करेंगे। पूज्य श्री कौशलेंद्र पूर्णाचार्य स्वामी जी, हमारे सभी भवन को स्वामी जी महाराज जी को भी जाना है, हमारे युवराज स्वामी जी तो जा ही रहे थे लेकिन आपको भी जाना है, बहुत सी लोगों को जाना है, लेकिन आप जाना का मन नहीं है लेकिन जाना पड़ रहा है, हमारे युवराज स्वामी कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो पूज्य श्री भवन को स्वामी जी महाराज, अखिल भुवन जनमस्ति मभंगादिलीले बिनत विविध भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् से मुसी भक्ति रूपा। आज संपूर्ण विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है, भगवत पाद रामानुजाचार्य के पावन सहस्राब्दी उत्सव में चरित्र वन बक्सर के इस पावन धरती पर आयोजन परम पूज्य अनंत श्री भूषित लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा समायोजित हुआ है। मध्य में भगवत पाद रामानुजाचार्य जी का चित्रपट जिनका दर्शन हो रहा है, और इधर दाहिनी तरफ दक्षिण देश से पधारे हुए हमारे पूर्वाचार्य, कोई वंश परंपरा में कोई पीठ परंपरा में पधारे हुए जीयर स्वामी जी, एवं इधर बाएं तरफ पूज्य जगत गुरु पीठाधिपति आचार्य महानुभाव। जैसा कि उभय वेदांत ऐसा हम सुना सुनते हैं, उभय वेदांत का तात्पर्य है एक तो दक्षिण देश में हमारे आलवारों के द्वारा सुंदर उद्गीत किया गया है जिसको दिव्य प्रबंध कहते हैं, दिव्य प्रबंध एवं वेद। तो ऐसा लग रहा है कि उभय वेदांत आज इस बक्सर की पावन भूमि में, जहां एक तरफ दिव्य प्रबंध का पाठ करने वाले हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जी महाराज के दाहिनी तरफ विराजमान हैं, बाएं तरफ उत्तर भारत के आचार्य विराजमान हैं, ऐसा लग रहा है कि बस बक्सर की पावन भूमि में लक्ष्मी प्रपन्न स्वामी जी महाराज ने उभय वेदांत को आज यहाँ प्रत्यक्ष साकार कर दिया है, मूर्तिमान कर दिया है, ऐसा अनुभव हो रहा है। विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा समायोजित यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण इस धरती पर पधारे थे, ऐसा हम श्री रामायण में अनुभव करते हैं, लेकिन त्रेता युग का वह यज्ञ आज इस कलयुग में लक्ष्मी प्रपन्न स्वामी जी महाराज ने प्रकट कर दिया है, जिसका हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज शेष के अवतार हैं, प्रथमो अनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनिः। अनंत रूप से भगवान नारायण की सेवा करते हैं, और जब भगवान श्री मन्नारायण प्रभु त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं, तो वही शेष जी सेवा करने के लिए श्री लक्ष्मण के रूप में अवतार लेते हैं।
और वही श्रीमन्नारायण प्रभु जब द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो वही श्री शेष जी श्री बलराम जी के रूप में पधारते हैं, और कलयुग में जब अर्चा विग्रह के रूप से भगवान श्री वेंकटेश श्री रंगनाथ और भगवान के अनेक स्वरूपों में अर्चा विग्रह में विराजमान होते हैं तो उनके वैभव को बताने के लिए श्री शेष जी महाराज रामानुजाचार्य स्वामी जी के रूप में इस कलयुग में अवतार लेते हैं और संपूर्ण मानव को मानवता की शिक्षा देते हैं। बंधुओं बहन विषय यह है कि भगवत पाद रामानुजाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रयास को संपूर्ण विश्व आज इसलिए ऋणी है क्योंकि ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भगवत पाद रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि महता प्रयासेन बहुत प्रयास के द्वारा मैंने इस तत्व को प्रतिपादन किया है। कौन सा तत्व? एक तो जो धर्म स्वरूप भूत ज्ञान है चेतन स्वरूप, और दूसरा धर्म भूत ज्ञान को स्वीकार करना जो द्वैत की सिद्धि है सर्वप्रथम यही से प्रारंभ होती है। तो स्वरूप भूत ज्ञान को चेतनमय मानना और धर्म भूत ज्ञान को चेतन न मान करके केवल आश्रय जो स्वरूप भूत ज्ञान है जीव उसका आधार का आधेय मानना धर्म भूत ज्ञान, इसको बहुत ही प्रयास के द्वारा भगवत पाद रामानुजाचार्य जी महाराज ने सिद्ध किया श्री भाष्य में। इसी यही से फिर द्वैत सिद्ध होता है और फिर भगवत पाद रामानुजाचार्य जी के दिव्य इस संदेश को संपूर्ण विश्व में जन जन तक पहुंचाने के लिए समस्त आचार्यों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। भगवत रामानुजाचार्य जी के पूर्व भगवत पाद शंकराचार्य जी का महान देन है भारतीय संस्कृति के लिए। उसके पहले बौद्ध काल था, बौद्ध काल में शून्यवाद का प्रधान प्राधान्य था और वर्तमान में भी संपूर्ण विश्व में लोग विपश्चिना आदि के माध्यम से ऐसा अनुभव करते हैं, और उसके पहले भी अतीत में देखते हैं तो वेद काल था। वेद काल में भगवत आराधन पूर्ण रूप से होता था, लेकिन उसके बाद में बौद्ध काल में शून्यवाद आ गया था। शून्यवाद को ध्वस्त करके परमात्मा की सत्ता की स्थापना शंकराचार्य जी महाराज ने किया, लेकिन बाकी बचा हुआ कार्य था। आज जो दुनिया में जहां भी भगवान की पूजा आराधना होती है या कथा होती है या भगवान का अभिषेक होता है, चाहे जिस संप्रदाय में हो, द्वैत सिद्धि के बाद में ही ये सब कुछ हो सकता है, और इस महान कार्य को भगवत पाद रामानुजाचार्य जी महाराज ने किया है इसलिए संपूर्ण विश्व आज रामानुज स्वामी जी महाराज का ऋणी है और उनके चरणों में नतमस्तक है। यदि रामानुज स्वामी जी महाराज नहीं होते तो आज कहीं कथा नहीं होती, आज कहीं मंदिरों में पूजा नहीं होती, आज कहीं कुछ आराधना उपासना नहीं होती। इसलिए भगवत पाद रामानुजाचार्य जी महाराज के चरणों में संपूर्ण विश्व कृतज्ञ है सहस्राब्दि के पावन उत्सव में। और बंधुओं 1000 वर्ष पूर्णता की ओर हो रहे भगवत पाद रामानुजाचार्य जी महाराज के ऐसे पावन अवसर पर संपूर्ण हमारे वैष्णव आचार्य यहाँ विद्यमान है तो हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे 1000 वर्ष की ऐसी अद्भुत परंपरा जिस परंपरा में भगवान श्री वेंकटेश भगवान रंगनाथ भगवान की पूजा आराधना होती है, ऐसे रामानुज स्वामी जी के नाम पर एक कोई विश्वविद्यालय की स्थापना हो और उस विश्वविद्यालय की स्थापना में रामानुज स्वामी जी के द्वारा दिव्य संदेश जाता रहा संपूर्ण विश्व को, तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारे यद्यपि सभी आचार्यों का बहुत बड़ी कृपा बहुत बड़ी देन है संपूर्ण भारत वर्ष पर ही नहीं संपूर्ण विश्व पर, चाहे भगवत पाद निंबार्काचार्य जी हो, वल्लभाचार्य जी हो, मध्वाचार्य जी हो और चाहे रामानंदाचार्य जी आचार्य हो, इन सभी की बड़ी कृतज्ञता है। इस संपूर्ण कार्यक्रम में श्री लक्ष्मी शरण स्वामी जी महाराज जिनको हम 20 वर्ष पहले से हमारा परम स्नेह है, परम प्रेम रहा है, और मैसूर अध्ययन के समय तो आपके त्याग और तप को प्रत्यक्ष अनुभव किए थे, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना है कि आगामी सहस्राब्दी उत्सव इसी प्रकार दिव्यता भव्यता से मनाई जाए कि संपूर्ण विश्व को मालूम पड़े कि रामानुज स्वामी जी की बोल संपूर्ण मानव जाति के लिए है।
इन्हीं वाणी के साथ में अपने वचन को विराम देते हुए स्वामी जी महाराज के चरणों में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का दिव्य पट अर्पण करते हैं। बोलिए पूज्य पात्री जी और स्वामी जी महाराज की। हमारे आचार्य यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं जी और स्वामी जी का, और इसी उपलक्ष्य में अनिवार्यता है जाने की। जैसे श्याम शरण देवाचार्य स्वामी जी गए, ऐसे सभी उनके स्वामी जी महाराज जा रहे हैं, और अब जो जाने वाले हैं उनको जब तक जल्दी जल्दी ही, मतलब हमारे कौशलेंद्र पन्नाचार्य जी कह रहे हैं, और जो वयोवृद्ध हैं जिनका बैठना मुश्किल है, तिरुकुरुंगड़ी हमारे जीव स्वामी जी महाराज बैठे हैं, उनका एक अभी हमारे आचार्य का अभिमत और हमारी परंपरा का अभिमत और हमारे संप्रदाय का जो अभिमत स्थान है, जो हम लोगों के लिए अभिमत मान का गौरव का विषय है, वहां हम जीव स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा तिरुकुरुंगड़ी स्वामी जी महाराज, तब तक हमारे जीव स्वामी जी महाराज से धित रह के हिंदी अनुवाद का जल्दी करा दे। यह सिद्धित्र नामक ग्रंथ भगवान श्री रामाचार्य द्वारा प्रणीत है। इसकी संस्कृत में व्याख्या सिद्धांजन नामक व्याख्या अनंगाचार्य पूज्य प्रतिभा भयंकर श्री अनंगाचार्य स्वामी जी महाराज के द्वारा हुआ था। हम लोगों के दुर्भाग्यवशात या इस ग्रंथ के संरक्षण की दुर्व्यवस्था वशात बहुत सारे भाग नष्ट हो चुके, लेकिन जितना उपलब्ध था उतना दास श्री गुरुमुख से अध्ययन करके जितनी दास को समझ में आई, जितनी बुद्धि में बैठी थी, उसकी हिंदी व्याख्या करके श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा इसका लोकार्पण हो। नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण आप लोग भगवान की। अब इसी कड़ी में हमारे संप्रदायाचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी देवनारायणाचार्य त्यागी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने एक दो मिनट के संदेश में ऐसा हमें स्पर्श करें कि उस रामानुजाचार्य स्वामी जी की संदेश को हम अपने जीवन पर्यंत याद रखें। इसके लिए मैं से प्रार्थना करूंगा कि अपने संदेश लेकर के इस सहस्राब्दी जयंती महोत्सव को कृतार्थ करें। पूज्य श्री स्वामी महाराज वंदे वेदांत कर्पूर स्वामी करकरंडकम श्रीरामानुजार्य मार्जाणाम चूड़ामणि महर्निशम मंचस्थ हमारे महानुभाव पीठाधीश्वर दक्षिण से पधारे श्री गादी स्वामी जी महाराज के पीठ पर विराजमान श्री स्वामी जी महाराज बालक स्वामी जी महाराज हमारे मंचस्थ हमारे वहां पर श्री तिरुपति से पधारे श्री जियर स्वामी जी महाराज श्री रंगम से पधारे जियर स्वामी जी महाराज हमारे शिविल्ल पुत्र साक्षात जगत जननी परम्बा गोदम्बा जी जैसे हमारे उत्तर देश में माता श्री जानकी जी धरती से प्रकट हुई थी, ऐसे ही तुलसी वन से प्रकट होने वाली माता गोदम्बा जी हमारे उत्तर भारत के रहने वाले लोग बहुत से नहीं जानते हैं, इसलिए हमें बता रहे हैं। तो ऐसे श्री गोदम्बा जी का जो स्थान है श्री बिल्लुपुत्तूर, वहां से पधारे हमारे जीवर स्वामी जी महाराज, और हमारे उत्तर से बड़े बड़े संस्थानों से यहाँ पर बिहार तो कहना ही क्या है, ये तो बिहार जो है बिहार ही है, या तो हमने
और दक्षिण में भी देखा और वैष्णवों की समृद्धि यहाँ भी देखी और आचार्यों का कृपा कटाक्ष भी इस भूमि के ऊपर बहुत पहले से आ रहा है। हमारे जीयर स्वामी इस अद्भुत उस तत्व को आज ले आकर के इन महानुभावों को सबको विराजमान करके इस ज्ञान गंगा के द्वारा सब जीवों को आप लाभित जो कर रहे हैं, तृप्त जो कर रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत एक विषय है। हमारे जगदाचार्य पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने इस बिहार को तो बना दिया था, अद्भुत बना दिया था। आज उस अद्भुत का दिव्य हमारे जीयर स्वामी लक्ष्मी प्रबन्न जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा ये अनुभव कराया जा रहा है। बहुत अच्छा है, ये हर्ष का विषय है। भगवान की बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कृपा है। रामानंद स्वामी का ये जो बहुत बड़ा जो महोत्सव हो रहा है सहस्राब्दी महोत्सव, अभी सन मतलब 17 में वो पूर्ण होने वाला है। अब उसी की सब क्रम से छाया चल रही है, ये उत्सव का क्रम चल रहा है, अभी होता ही जाएगा, उसकी कोई परिपत्ति नहीं है, ये ऐसे चलता ही जाएगा। भगवान भाष्यकार स्वामी इस परंपरा के हमारे कहना चाहिए वैष्णव के परंपरा के रामानुज स्वामी उद्धार का आचार्य कहे जाते हैं। आचार्य सभी लोग हैं, बड़े बड़े आचार्य हमारे प्रथमाचार्य भी आए हैं, भूतम सरस्त महादावय भट्टनाथ श्री भक्ति सारद कुलशेखर योगी वाहन बड़े बड़े आए हैं और भी बहुत से चार्य महानुभाव लोग आए हैं। श्रीनाथ मुनि यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज और अपूर्व राज उनके कृपा से भाष्यकार स्वामी जो पधारे हैं, आलवार षटकोप स्वामी जी ने भाष्यकार स्वामी जी की मूर्ति को लेकर के श्री नाथ मुनि को संभलाया था, कहा कि ये उद्धार का चार्ज होंगे जगत में, जो विष्णु जो जीव होंगे सबके उद्धार के लिए ये पहले जो आचार्य हुए हैं और बाद में जो आचार्य होंगे, ये दोनों के सूत्र को ये बांधने वाले, जैसे एक माला होती है, वो माला में बहुत से दाने होते हैं और दाने के सब मालाओं के ऊपर एक ऐसी माला ऐसे एक दाना होता है जो इधर से भी माला को जोड़ता उधर से भी जोड़ता है, ऐसा ऊपर सबके ऊपर होता है। तो ऐसे जो है ऊपर रहने वाले हमारे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी हैं, जिनका सहस्राब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे हैं। तो ऐसे श्री भक्त भाष्यकार स्वामी का आज ये महान महोत्सव हो रहा है और इस उत्सव के लिए क्या कहना है, हमारे स्वामी इसका ऐसा कर रहे हैं, बहुत सौभाग्य का विषय है। वर्धताम अभिवर्धताम, नारायण। अभी आपने पूज्य श्री हरदेव पीठाधिपति श्री स्वामी जी महाराज द्वारा श्रवण किया कि हमारा त्रिगुण बड़ी ना, हमारा उद्देश्य ही बनता है, हम मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि ना सतो विदते भाव, सत्य चीज का अभाव नहीं और असत्य की सता नहीं है। तो जो सत्य चीज है उस सत्य चीज की सता को स्थापित करने के लिए जिस भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने अपने जीवन की सर्वभावेन सर्व प्रकारेण जो अर्पण कर दिया, उन रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के मार्गों पर हम चले, यह स्वामी महाराज ने संदेश दिया। ठीक इसी कड़ी में दक्षिण भारत के त्रिकुणगुड़ी के श्री रामानुजाचार्य पीठाधिपति श्री
स्वामी जी महाराज द्वारा मैं निवेदन करूंगा, वो अपनी भाषा में जो उनकी भाषा अच्छी हो उस भाषा में बोलेंगे, उसके बाद उनका ट्रांसलेट दूसरे लोग मुरलीधर स्वामी जी महाराज करेंगे, लेकिन पहले हमारे श्री स्वामी जी महाराज अपने आप अपनी भाषा में बोलेंगे। तदिदराणि दृणाय मेने अस्मत्कुरोर्भगवतोऽस्य दैग्यसिन्धो रामानुजस्य शरणो शरणं प्रपद्ये श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणान्नवं यदीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम्। இன்றைய தினம் ராமானுஜருடைய ஆயிரமாவது விழா கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. அஜாயமானோ பகுதா விஜாயதே என்று வேதமும், பகூனிமே விதீதானி ஜன்மானி என்று வேத்தியரான கண்ணனும், சன்மம் பலபல செய்து என்று நம்மாழ்வாரும் அவதரி அருளி அனுபவித்த அவதாரங்கள் ஏராளம். அவற்றினுள் மீனோடாமை கேழல் அறிகுறளாய் முன்னுமிராமனாய் தானாய் பின்னுமிராமனாய் தாமோதரனாய் கற்கியுமானான் என்று சொல்லப்படுகின்ற அவதாரங்கள் பத்து. இந்த பத்து அவதாரங்களும் ஆழ்வார்களாலே வெகுவாக அனுபவிக்கப்பட்டன. இந்த பத்து அவதாரங்களில் ராமகிருஷ்ண அவதாரங்கள் பூர்ணாவதாரம். இந்த ராமகிருஷ்ண அவதாரங்களிலே ஆச்சாரியனிடம் ஏற்பட்ட வெறுப்பே ராமானுஜருடைய அவதாரத்திற்கு முக்கிய காரணம். ராமாவதாரத்திலே மேனகையுடன் விஸ்வாமித்திரர் செல்லாபம் கொண்டிருந்ததும், கிருஷ்ணாவதாரத்திலே சாந்தீபினி முனிவர் குருதட்சிணையாக இறந்து போன தன் மகனை மீண்டும் கேட்டது எம்பெருமானுக்கு மிகவும் வருத்தத்தையும் வெறுப்பையும் அளித்தது. எனவே தானே சிஷ்யனாயின் என்று எம்பெருமானாரை ஆதிசேஷனான எம்பெருமானாரை அவதரிப்பித்து அவருக்கே சிஷ்யனாகி இந்த உலகுக்கு தானுமே ஆச்சாரியனுமாய் தானுமே சிஷ்யனுமாய் என்ற நிலைப்பாட்டினை வெளிக்கொணர்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதே இந்த ராமானுஜ அவதாரம். இந்த ராமானுஜரால் மட்டுமே உலகை திருத்தி பணி கொள்ள முடியும் என்று எம்பெருமான் கருதியினாலே ராமானுஜரை ஆச்சாரியனாக கொண்டு ராமாவதாரத்திலே ஏற்பட்ட குறையை திருக்கரங்குடி நம்பியிடத்திலே சிஷ்யனாக கொண்டு திருக்கரங்குடி நம்பி ராமானுஜரை ஆச்சாரியனாக கொண்டு ராமாவதாரத்திலே ஏற்பட்ட குறையை பூர்த்தி பண்ணிக் கொள்கிறார். கிருஷ்ணாவதாரத்திலே ஏற்பட்ட குறையை புனரவதாரமான மணவாளமாமணிகளிடத்திலே திருவரங்கன் ஆன திருக்கோலத்திலே அந்த குறையை தீர்த்து கொள்கிறார். ஆகவே இந்த ரெண்டு அவதாரங்களும் எம்பெருமானால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. சத்தியம் சத்தியம் புனசத்தியம் எதிராஜோ ஜெகத்குரு சயேவ சர்வலோகானாம் உத்தர்த்தா நாத்திர சம்சயக. இந்த உலகிலே சத்தியம் பலமுறை சத்தியமிட்டு கூட்டாலும் ராமானுஜர் ஒருவரே ஜெகத்குரு என்ற சத்தத்துக்கு உரியவராவர், மற்றவர்களெல்லாம் அதற்கு தகுதி இல்லாதவர் என்பது பெரியோர்களினுடைய கருத்து. அனந்த பிரதமம் ரூபம் லக்ஷ்மணஸ்ய ததப்ரதம் பலபத்ர த்ரிதீயஸ்து லோகஸ்ய பவிஷ்யதி என்று கிரேதாயுகத்திலே அனந்தாழ்வானாகவும் திரேதாயுகத்திலே லக்ஷ்மணனாகவும் துவாபர யுகத்திலே பலபராமனாகவும் கலியுகத்திலே ராமானுஜனாகவும் அவதரித்து இந்த உலகை ரட்சிப்பித்தான். மறையதனில் பொருளனைத்தும் வாழ்வித்தான் வாழியே மாறனுரை செய் தமிழ் மறைவளர்த்தோன் வாழியே என்று ராமானுஜருடைய வாழித்திருநாமம் கூறுகிறது. ராமானுஜன் அவதரித்த பின்புதான் இந்த உலகத்திலே வேதத்திற்கு பாஷ்யமிடப்பட்டு அவை அனைத்தும் மக்களை சென்றடைந்தன. திராவிட வேதமாகிய திருவாய் மொழிக்கு ராமானுஜன் பிறந்த பின்னே இந்த திராவிட வேஷம் உலகெங்கும் பரவப்பட்டு அதனுடைய அருமை பெருமை மக்கள் அனைவரும் உணரும்படியாக இருந்தது. மேலும் ராமானுஜன் அவதரித்து தென்னரங்கர் செல்வமுற்றும் திருத்தி வைத்தான் வாழியேன்னு திருவரங்கத்தினார் செல்வங்களை முழுவதையும் திருத்தி வைத்த பெருமை ராமானுஜரையே சேரும். ஆக இந்த ராமானுஜருடைய அவதாரம்
பல இடங்களிலே முன்னதாகவே கூறப்பட்டுள்ளது. சதுஷ்டய சகஸ்ராந்தே சம்வத்சரானா ராவசேஷோ ராமானுஜமுனே பூத்வா பூமியாம் அவதரிஷ்யதி என்று கலியுகம் பிறந்து 4000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த உலகிலே ராமானுசர் அவதரிப்பார் என்று அபியுக்த வசனங்கள் கூறுகின்றன. ஆக இவ்வளவு பெருமை படைத்த ராமானுசன் அவதரித்தினே இந்த உலகில் உலகம் அனைத்தும் இருள் சூழ்ந்த உலகமாக மாறிவிட்டிருக்கும். ஆக ராமானுசர் திருக்குறங்குடிக்கு எழுந்தருளும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 700 ஜீயர்களும் 11000 ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடன் அவர்கள் எழுந்தருளி இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மீண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை இந்த சுவாமி கிட்டத்தட்ட இந்த 700 ஜீயர்கள் அந்த குறை நீங்க இந்த மேடையிலே இந்த 700 ஜீயர்களுக்கு ஒப்பாக இத்தனை ஜீயர்களையும் எழுந்தருள பண்ணி 11000 மக்களுக்கு பதிலாக 1,100,000 மக்களையும் இந்த கூட்டத்திலே எழுந்தருள பண்ண பெருமை இந்த சுவாமியை சேரும். இந்த சுவாமி மேன்மேலும் பல மாநாடு இதுபோல் பல கூட்டங்களை நடத்தி ராமானுசருக்கு அடுத்த பெருமை இந்த சுவாமியே சேரும். ஆக இந்த சுவாமி பல்லாண்டு எழுந்தருளிருந்து இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீயை வளர்த்து வர வேணும் என்று மங்களாசாசனம் செய்து அமைகிறேன். இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட அத்தனை மக்களும் பல்லாண்டு எழுந்தருளி ராமானுஜரை பெருமை பாட வேண்டும் என்று மங்களாசாசனம் செய்து அமைகிறேன். சர்வதேச தசாகாமேஷு வியாத பராக்கிரம ராமானுஜார்ய துவ்யாஜ்ஞா வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம். திருக்குறுங்குடி ஸ்ரீ பேரருளாளர் ராமானுஜ சுவாமிக்கு திவ்ய சரணார பிரதமன் அனந்த பிரபு நமஸ்கார் ஸ்வீகரித்திய சுவாமிஜி நீ ஜோ சுந்தர்கயா அபிஜோ கஹா ராமானுஜோகோ பிரபா சார் யூக சார் யூகமே கலியுகமே ஓ ராமானுஜிக்கு அவதார் உருவா உஸ்கே பேலே ஜோ ஜோ ஹுவா तभी रामकृष्ण अवतार हुआ, तभी रामकृष्ण अवतार के हुआ, उनको मन में जो सबल नहीं हुआ तभी ये कलियुग में अवतार होकर रामानुज को स्वामी जी के बनकर सारे संसार के उज्जीवन करने के लिए रामानुज अवतार किया इसी स्वामी जी ने कहा। आलवारा से सिर्फ अगर गीता प्रबंध में स्वामी जी की बहुत कोटिंग किया वो सब आप लोगों और हम लोगों को जानते इसके लिए उसको अनुवाद मैं नहीं चाहता हूँ केवल उसको सारबोध विषय है ही अभी राम जो रामानुज जी अवतार किया वो संस्कृत में शिवाशी का ही नव ग्रंथ किया था परंतु इस सामान्य लोग है जो हमारा लोग सामान्य लोग के लिए स्वामी जी ने क्या किया इसको चलो जी जिसो द्राविड प्रबंधन में वो सहस्त्र गीति है उस सहस्त्र गीति को अनुवाद वो लेके वो भाष्यकार ने शिवाष्य को भाष्यकार किया इस स्वामी जी ने ऐसा कहा था। स्वामी जी ने स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद नारायण ने स्वयं आचार्य था स्वयं शिष्य था ऐसा बन के त्रिकुरगुड़ी क्षेत्र में वो नंदी सुंदर परिपूर्ण नंदी स्वयं स्वामी नहा और स्वयं आचार्य बन के उसको मडम उधर स्थापन किया था। जैसे स्वामी तिरुवनंतपुरम से जो उधर आया था त्रिकुरगुड़ी में तभी उनके साथ 700 एवं 1100 लोग उनके साथ उसके समान 700 लोग ऊपर जब जब पर बैठा हुआ है 11 लोग के लाखों को लोग इधर है। इसके लिए ये स्वामी जी का लक्ष्मी प्रबंध स्वामी जी का ये रामानुज अवतार अगर ये पुनः अवतार है इसके उसका मन में संग हो गया अभी वो उदाहरण है स्वामी जी का कहने का मतलब है यदि पुत्र अनुवाणी को विराम देता हम जय श्रीमन नारायण लघुअर्थम बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ठीक इसी कड़ी में मैं जो देवभूमि पर चलने के लिए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हरिद्वार से कुछ ही आगे बढ़ने पर जो हम लोग को ऋषिकेश पड़ता है ऐसे ऋषिकेश से पधारे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी
श्री कृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा, समय में क्या कहूं, सम संदेश तो संदेश संदेश होता है, उसमें समय तो कहना बहुत अच्छी बात नहीं। तो स्वामी जी महाराज अपने अल्प समय के संदेश में ऐसा हमें अपने आप इस संसार में रहने का तरीका बताएं कि हम नारायण ही देवी ऋषिकेश अपने आप में पिठाधीश उत्तराखंड पिठाधीश वंदे वेदांत कर्पूर छामी कर करंडकम रामानुजार मार्याणाम चूड़ामणि महर्निशम तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने यह श्रुते सूत्राणाम अंतर विषमत। आज इस श्री रामानुज शताब्दी के प्रारंभिक मंगलाचरण में आए हुए सभी आचार्य मंत्र विराजमान दक्षिण और उत्तर का संयोग जैसे गंगा जमुना का संयोग हो, आज इन पावन श्री वैष्णव के चरणों में आचार्यों के चरणों में दास बार बार प्रणाम करता है। और सौभाग्य का विषय है कि आज इस परम पावन विश्वामित्र की भूमि में जगदाचार्य श्री तदत्त स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने ये कुंभ का दृश्य दिखा दिया है। इतने लोग हमने कुंभ नहीं देखे हैं और कुंभ में भी एक मंच पे नहीं देखे, पूरे कुंभ में घूमोगे तब इतने लोग दिखेंगे, पर आज लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने आज हमको सब दिखा दिया कि एक रामंस के नाम पर इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं। आज के विषय था श्री रामानुज ने जगत के लिए, बंधुओं आज पूरी दुनिया वेंकटेश भगवान के दर्शन कर रही है, वेंकटेश भगवान बालाजी जिनको कहते हैं रामानुज स्वामी की देन है, और आज जितना धन वेंकटेश जी में चढ़ता है उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता, और इतने बड़े त्यागी महापुरुष रामानुजाचार्य जिनके श्रीरंगम और वेंकटेश जैसे स्थान हो, और वो महात्मा केवल एक कटिवस्त्र लगा करके दर्दंड लेकर के और पांच घरों से भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करता हो श्री रामानुजाचार्य, और मुझे तो लगता है वो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य अपरावतार के रूप में जगदाचार्य श्री तदंडी स्वामी जी के रूप में पधारे, और श्री तदंडी स्वामी जी महाराज अपने अब कामों को अधूरा जो छोड़ गए थे उनको पूरा करने के लिए जीयर स्वामी के रूप में पधारे। इतनी भीड़ या तो हमने तदंडी स्वामी जी के यज्ञों में देखी और या आज जीयर स्वामी के इस यज्ञ में देखी। बंधु हमको लगता है कि अब भारत पर से इसको देख करके लगता है वाणी सत्य होने वाली है। कौन सी वाणी? अच्छे दिन आएंगे। नारायण। अब इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने इस पावन धर्म मंच पर सहस्राब्दी जयंती महोत्सव के पावन मंच पर मैं वृंदावन से पधारे हुए भागवत भास्कर आचार्य श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि बस दो मिनट में ऐसे शब्दों, क्योंकि आपके शब्द ही जो है ये मालूम पड़ता है कि मिश्री घोर कर को पिला रहा है, और यहाँ तो सम इस समाज के लोगों को पिलाना है, ठीक है, अल्प समय में ऐसे, क्योंकि आपके शब्दों को सुन करके हम लोग जो भी है यहाँ आपके भजन प्रवचन को सुनकर इतना हम आनंदित हो जाते हैं, और सब आप यहाँ पधारे हुए हैं, आप अपने अल्प समय द्वारा ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के संदेशों को अपने आप उपस्थित करें तो हम उस मार्ग द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो मैं आपके सामने वृंदावन से पधारे हुए भागवत भास्कर अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा व्यास श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि अपने संदेश को दें। अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगरत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्बाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विबिलसत गोपी सहस्रावृतम
हस्तन्यस्तनता पवर्गमखिलो धारम किशोराकृति कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफ बात पित्तयी कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री गादी स्वामी जी, इस पवित्र आयोजन के आयोजक परम वंदनीय श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी और समस्त जगत गुरुओं को मैं प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी के माध्यम से हर्ष और आनंद को व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा कि अभी स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज कह रहे थे कि एक मंच पर इतने महापुरुषों का दर्शन ये निश्चित रूप में असंभव है और इसको पूर्ण किया है श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी महाराज ने। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं, मैं उनको प्रणति निवेदन करता हूं। इतने जगत गुरु, मुझे तो लगा ये जगत गुरु महाकुंभ है। इतने वैष्णवाचार जगत गुरुओं का हमें नाम ही मालूम नहीं, उन सब जगत गुरुओं का दर्शन एक साथ हो रहा है। इन सबको मैं प्रणाम निवेदन करता हूं और सबसे ज्यादा प्रणाम आपको निवेदन करता हूं कि आप 12 बजे से इतनी संख्या में यहां विराजमान हैं। और मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं कि 70% आपकी समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, फिर भी आप 12 बजे से धैर्य पूर्वक बैठे हैं। मुझे 40 वर्ष हो गए भागवत करते हुए, पूरे विश्व में भागवत के आयोजन मैंने किए हैं। 10 फरवरी 2015 को 40 वर्ष पूरे हुए, 1100 से ज्यादा मैंने भागवत कथाएं पूरे विश्व में की हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि धैर्य से जितना बिहार के भक्त लोग सुनते हैं उतना कहीं के नहीं सुनते। और आश्चर्य की बात यह कि समझ में आवे तब तो सुनते ही हैं, नहीं आवे तो भी सुनते हैं। ये आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि लोगों के चेहरे को देखकर हम इतना तो समझ ही जाते हैं ये क्या समझ रहे हैं। आनंद की बात यह है, शेषावतार जगतगुरु भाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्य महाप्रभु का सहस्राब्दी महोत्सव जो 2017 में पूर्णता की ओर होगा, उसका शुभारंभ यहां से हो रहा है। आनंद की बात है। रामन स्वामी जी भाष्यकार थे, उनके विषय में कहा जाए, और हम लोग तो भागवत के वक्ता हैं, 4-5 घंटा से कम तो बोलते ही नहीं, 10-5 मिनट में तो मशीन गर्म भी नहीं होती, क्या बोलेंगे। मैं आपको केवल 3 बात कहूंगा। स्वामी रामानुजाचार्य महाराज की जो पद्धति है, चित्त विशिष्ट ईश्वर का प्रतिपादन करने की जो अद्भुत पद्धति, उसमें स्वामी जी ने भक्ति को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया। भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिं लभते पराम। पराभक्ति को प्राप्त करने के बाद में, क्योंकि श्रद्धामान लभते ज्ञानम, वो सारी चीजें तो फिर अनायास प्राप्त हो जाती हैं।
श्रीमद् भागवत में वैष्णव संत की जो एक पद्धति है, वैष्णव साधु की जो रहनी सहनी है, उसका बड़ा अद्भुत व्याख्यान भगवान कपिल देव ने सांख्योपदेश में किया है कि तितिक्षवः कारुणिकाः मैत्र्या च अखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ये साधु के लक्षण बताए, तितिक्षु होना, करुणावान होना, सर्वद सर्वदेहि नाम प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द का भाव रखना और समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। समदृष्टि, क्रोध पर विजय और विनम्रता, ये सारे सदलक्षण कूट कूट कर भरे हुए हैं हमारे स्त्री वैष्णव आचार्यों के जीवन में। हमारे यहां तुम्हारा दास परमात्मा दास, हम ही नारायण दास दास दासानु दास चित्दास दास तद्वृत्त वृत्त परिचारक वृत्त वृत्त वृत्त्यस्य वृत्ति इतिमाम स्मर लोकनाथ। हमारे यहां तो हर बात में दास, दास वहां गया था, फिर दास ने ये किया था, फिर दास ने ये सुना था, अहम का स्पर्श भी न आ जाए, ये पद्धति जगद्गुरु रामानुजाचार्य महाराज के प्रथम सूत्र में कही जाती है। भक्ति की तीन पद्धतियों की व्याख्या की है, परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा के चरणों से लगिए, और भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति के अनुसार चलिए। और भक्ति की तीन पद्धतियों की व्याख्या हमारे वैष्णवाचार्यों ने की। भक्ति का शुभारंभ होता है विश्वास से, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रित्व वर्णम तथा। परमात्मा के प्रति जब तक विश्वास नहीं है भक्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान कहते हैं कि यो माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तितः सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्च विडम्बनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तितः सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्च विडम्बनम्। प्राणी मात्र में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने कण कण में नहीं देखा, और अंत में तो कहते हैं यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चा भजते मौढ्यात् भस्मन्नेव ज्योतिषः। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को, मंदिर हमें जाना चाहिए, उपासना हमें करनी चाहिए, पूजा हमें करनी चाहिए, पर ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो परमात्मा सब में विद्यमान है। इसे दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचित्। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना, सब में वो प्रभु विद्यमान है ऐसा विश्वास मन में रखना। विश्वास है तो इस माइक्रोफोन में वो है, विश्वास है तो आप में वो है, इनमें वो है, मुझ में है, इन सब वैष्णवाचार्यों में है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी वो कहां मिलता है। इसलिए विश्वास हो फलदायक, भक्ति की प्रथम धारा है विश्वास, परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए। और भक्ति की दूसरी धारा है संबंध, परमात्मा के प्रति कोई भी संबंध जोड़िए। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे ज्योत्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो परमात्मा के प्रति कोई भी संबंध जुड़ जाए, गोप्यः कामात् भयात् कंसो, किसी भी भावना से हम प्रभु का स्तवन करें, परमात्मा से कोई संबंध जोड़े, भाई माने, मित्र माने। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम्। यशोदा उन्हें पुत्र मानती है, कर्मा उन्हें पुत्र मानती है, और मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसलिए भक्ति का दूसरा धारा है विश्वास, ये संबंध जोड़ना, परमात्मा से संबंध जुड़े। और भक्ति की तीसरी
जो धारा है वो है समर्पण। परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे तुम ऐसा करो, अर्जुन बोले करेंगे। फिर 5 मिनट बाद बोले ऐसा करो, अर्जुन बोले करेंगे। 10 मिनट बाद कृष्ण बोले ऐसा करो, अर्जुन बोले करेंगे। फिर बोले नहीं नहीं अर्जुन तुम ऐसा करो, तो अर्जुन बोले आधा पागल तो मैं पहले ही था, पूरा पागल तुम बना दोगे मुझे, इसलिए क्लियर क्यों नहीं बोलते क्या करूं। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि यत करो सी यदस्नासी यज्जो सी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो वो मुझे अर्पण कर दो। मन मना भव मत भक्तो मत यादि माम नमस्कुरु, भक्त मेरे बनो। मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ। मत यादि यज्ञ मेरे लिए करो और माम नमस्कुरु। और अंत में तो कह दिया गोविंद ने हमारा जो चरम मंत्र है विशिष्टाद्वैत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम् शरणं व्रज अहम् त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। प्रभु के समर्पित हो जाओ। इसलिए मन को सब जगह से हटा करके, 1000 दिए जो जला रहे उन सबको एक दीप में समाविष्ट करके बस परमात्मा के चरणों का आश्रय ले लें, तो भगवान के प्रति विश्वास, परमात्मा के प्रति संबंध और प्रभु के प्रति समर्पण। ममनाथ यदस्ति योस्म्यहं सकलं तद्धितमेव माधव नियतस्वमिति प्रबुद्धधी अथवा किं समर्पयामि ते। तो सब कुछ प्रभु को समर्पण करना, बल्कि ये भाव आ जाए कि मेरा क्या है जिसको मैं अपना कहकर तुम्हें समर्पित करूं। जो कह रहा है कि मैं आपका हूं, यह भी तो आपका ही है, ये बाकी भी आपका ही है। ऐसी सुंदर पद्धतियों को, ऐसे सुंदर भगवत विचारों को जन जन तक जिन्होंने प्रवाहित प्रसारित और प्रचारित किया, ऐसे जगत गुरु शेषावतार भाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्य प्रभु की सहस्त्राब्दी महोत्सव जो आगामी वर्ष में मनने जा रहे हैं, उसका शुभारंभ बाबा विश्वामित्र की पावन भूमि यहाँ बक्सर से आरंभ हुआ है। सही लग हाँ, और ये वामन की भी पावन भूमि है, भगवान वामन का भी, वामन के लिए कई भूमियों की वार्ताएं महापुरुष करते हैं। बगल में बलिया को भी वामन की भूमि कहते हैं, बरेली की बगल में भी वामन की भूमि कहते हैं। तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, लेकिन यह भी वामन प्रभु की भूमि है, भगवान विश्वामित्र की यह तपस्थली है, राघवेंद्र ने यहाँ निवास किया है। और जब कोई शुभ कार्य या कोई यज्ञ आदि होते हैं तो मारी सुबाहु तो यहाँ आते ही रहते हैं, कभी आंधी के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी किसी और रूप में। उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक महापुरुष कह रहे थे कि इतने इन जगतगुरु महापुरुषों के दर्शन का यह सौष्ठव परिणाम है कि किसी भी प्रकार की आपदा आने के बावजूद बक्सर में सब लोग सुरक्षित हैं, सब आनंदित हैं। अपनी कथाओं की व्यस्तता की वजह से ऐसे ऐसे महान आयोजनों में आने का मुझे अवसर प्रायः प्राप्त नहीं हो पाता।